नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। फिरोजाबाद के नगर निगम में चालक के पद पर तैनात विशाल शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने मृतक के घर वालों को 20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। फिरोजाबाद में विश्व रक्तदान दिवस पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में विशाल रक्तदान शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP शर्मा ने किया। नोएडा के अट्टा मार्केट में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने के बहाने करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जुमा करीब आते ही शांति बनाए रखने को बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं, मौलानाओं और समाज सेवियों के साथ एक बैठक की, जहां जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण से अदा कराने और जिले की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की गई। अमरोहा में BJP के गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व जनरल VK सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली सरकारों में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब मोदी जी बटन दबाते हैं और लाभार्थियों के खाते में इसका लाभ पहुंच जाता है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SP City ने बताया कि पंप संचालक के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने हर गांव विकास खंड में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं से निजात दिलाने के लिए निर्देशित भी किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से गांव की सड़कों के बारे में भी जानकारी ली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Team 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के चमोली में चार धाम यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। SP श्वेता सिंह ने बताया कि इन लोगों ने एक महीने में होटल बुकिंग के नाम पर देश भर के लोगों से 27 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम इस बैठक में जा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद BJP के खिलाफ लड़ना है और लोकतंत्र को बचाना है। जालंधर में देवी तालाब मंदिर के जालंधर शक्तिपीठ के पास ही दीवारों पर खालिस्तान समर्थक के नारे लिखे हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस CCTV की मदद से नारे लिखने वालों का पता लगाने में जुट गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ED की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन किया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मध्य रेलवे ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया। तमिलनाडु में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर दक्षिणी रेलवे ने चेन्नई में योग कार्यक्रम आयोजित किया। छत्तीसगढ़ में बोरेवेल में गिरे 10 साल के राहुल को 100 घंटे से अधिक के ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सुंदर नगर में एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ पारंपरिक नाटी डांस किया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी दिन जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। बड़े स्कोर वाले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी दिन 299 रन बनाने थे। इंग्लैंड ने इस विशाल स्कोर को आसानी से चेस कर दिया। TV इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस एक्टर करणवीर बोहरा पर एक महिला के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन में करणवीर बोहरा समेत 6 लोगों के खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज किया गया है। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म विक्रम बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने सिर्फ 11 दिन में ही वर्ल्ड वाइड 322 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म ने सिर्फ इंडिया में ही 220 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। सोने और चांदी कीमतों में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट का दौर लगातार जारी है। सोने के दाम में करीब 800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 900 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल का इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें मई भारत न्यूज।